अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत और करम से। दोस्तों, YouTube शॉर्ट्स के ऊपर कितने व्यूज़ के ऊपर कितने पैसे मिलते हैं, और जो हमारे पहले वाला चैनल है लॉन्ग वीडियोस से रिलेटेड, अगर उसके बराबर व्यूज़ आएंगे तो उतने ही हमें डॉलर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं और वीडियो आज की हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखें, हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि अगर आपके चैनल के ऊपर 1000 व्यूज़ होते हैं, और अगर आपका टेक चैनल है, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड से चैनल है, तो आपके मैक्सिमम आपको $1 मिल जाता है, या 2K व्यूज़ के ऊपर भी $1 मिल जाता है, या किसी वीडियोज़ के ऊपर आपके दूसरे चैनल्स हैं जैसे व्लॉगिंग चैनल है या दूसरे आइडियाज़ के ऊपर चैनल हैं, तो उसके ऊपर आपको 2K, 4K, 5K, 6K, इवन 10K व्यूज़ के ऊपर भी आपको $1 मिलता है। तो ये तो आपके पास जो YouTube शॉर्ट्स से रिलेटेड पहले आपके पास चैनल क्राइटेरिया था, तो जो आपका जो एड्स जिस चैनल के ऊपर आपकी आती है तो उसके ऊपर तो ये क्राइटेरिया है, यानी कि जिसका CPM $1 होगा तो उसको उसके ऊपर आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको $1 भी मिल जाता है, जिसका CPM 1000 होगा। ये शॉर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, ये लॉन्ग वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करते हैं YouTube शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड, देखें YouTube शॉर्ट वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आपके सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसके ऊपर 100K व्यूज़, 200K व्यूज़, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, इवन के 10 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज़ भी आते हैं शॉर्ट्स के ऊपर। तो उसमें आपको फिर ये होगा कि आपको व्यूज़ के टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो जहां आपके आम वीडियोज़ के ऊपर 20K व्यूज़ आते हैं, तो वहां आपके 100K व्यूज़ आ रहे हैं, तो जो डॉलर्स है वो वैसे ही आपके जो व्यूज़ के ऊपर बैलेंस हो जाएगा, उसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहां से हम अगर हम एवरेज अंदाज़ा लगाएं, तो मतलब कि अगर आप 8 से 10 हज़ार आपके एक शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज़ हैं, तो मैक्सिमम आपको $1 वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो आपने अब काम ये करना है कि आपने कुछ और नहीं, सिर्फ अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करें, और रेगुलर बेसिस के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स वाला जो आपने न्यू चैनल क्रिएट कर लिया है, अगर नहीं कर लिया तो आप अपना कर लें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसके ऊपर अलहदा चैनल बनाएंगे, तो अगर उसके ऊपर कोई स्ट्राइक्स वगैरह आ जाती हैं, तो आपका जो दूसरा चैनल है जिसके ऊपर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, वो आपका चैनल इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर उस चैनल के ऊपर आपको स्ट्राइक्स आ जाती हैं, अगर आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल होती है, तो आपके टोटल चैनल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि सुपर चैट भी आपकी डिसेबल हो जाएगी, लॉन्ग वीडियोज़ भी डिसेबल हो जाएगी, शॉर्ट वीडियोज़ भी डिसेबल हो जाएगी, और आपका पूरा चैनल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप उस चीज़ से बचें, आप अपना न्यू चैनल क्रिएट करें, उसके ऊपर आप जस्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएं, और शॉर्ट वीडियोस मिनिमम एक दिन में 5 होनी चाहिए। 5 शॉर्ट वीडियोस होंगी तो ओवरऑल आपके व्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे, और आपके जब व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अर्निंग होगी और ज़्यादा डॉलर जाएंगे। तो रफली अगर आप देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार व्यूज़ के ऊपर आपको $1 मिल सकता है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर वैसे ही YouTube शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज़ आते हैं, तो आप अपना एक अलग चैनल क्रिएट करें, उसके ऊपर आप अपने चैनल को उसके ऊपर काम करें, और आपका चैनल बहुत ग्रो होगा, और शॉर्ट वीडियोस के ऊपर वैसे ही व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और बात, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको लेके परेशान हैं कि अब यूट्यूब की नई पॉलिसी क्या है चैनल को मोनेटाइज करवाने की। देखें, चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए पहले वाला जो रूल है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे होने चाहिए, या शॉर्ट्स अगर आपके अब एक्टिव है जैसे कि, तो उसके लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और लास्ट 90 डेज के अंदर आपके 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। अगर ये होंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आपकी कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो अब आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपने चैनल के ऊपर मेहनत करें, और अपने यूनिक आइडियाज़ अप्लाई करें, शॉर्ट वीडियोज़ बनाएं, उसको आपका अपना कंटेंट होना ज़रूरी है। अगर आप दूसरों का कंटेंट उठा के डाल देंगे, तो देखें जी, यूट्यूब को इतना उसका एक प्रॉपर सिस्टम है, उसके अल्गोरिथम में जैसे ही चैनल आता है तो फौरन उसकी ईच एंड एवरीथिंग का पता लग जाता है, और आपका जो सारी मेहनत है ज़ाया हो जाएगी। तो इस वजह से कोशिश करें, आपकी अपनी मेहनत हो, आपके अपना जो एक चैनल क्राइटेरिया हो, आपके अपने व्यूज़ हो, आपकी अपने मोबाइल से कैमरे से वीडियो शूट हुई हो, हाँ थोड़ा बहुत बंदा
बैकग्राउंड फ्री म्यूज़िक यूज़ कर लेता है या फ़नी क्लिप्स उसमें डाल लेता है, लेकिन एक कदा होना चाहिए। बहुत सारे लोग 10-10, 15-15 फ़नी क्लिप्स डाले होते हैं, तो वो वीडियोस की सारी मेहनत फिर आपकी ज़ाया हो जाती है, उसका आपको 1 रुपए का डॉलर भी नहीं मिलता। तो इस वजह से आप कोशिश करें आपकी 100% कॉन्टेंट आपको अपना हो और आपकी अपनी मेहनत हो। अगर आपकी अपनी मेहनत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ भी आएंगे और अच्छी खासी अर्निंग भी होगी। अब आपने एक और चीज़, आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं कि जिनको यूट्यूब टीचिंग से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, और जब आप उनको फॉलो करते रहते हैं, जब आपका प्रॉब्लम होता है तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा सकते, फिर आप उन यूट्यूबर्स को ढूंढते हैं जो यूट्यूबर्स सही तरीके से आपको गाइड कर रहे होते हैं। और उन यूट्यूबर्स में से अगर मैं 2-3 यूट्यूबर्स का नाम लूँ, तो जिसमें जो सबसे अच्छा गाइड आपको करते हैं वो है टेक्निकल तनवीर असकर भाई, जो तनवीर भाई के नाम उनका यूट्यूब चैनल है। आप उनका चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और उनका नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो भी यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वायरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनकी वीडियोस को देख के आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा चैनल भी है, इसको भी देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर मुझे डिलीवर करना है तो उसके ऊपर मैं हर लिहाज से सर्च करके तस्दीक करके फिर वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाता। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। दूसरा जो है तैमूर परदेसी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। या शफीक जाफरी के नाम से एक चैनल है, वो आप कर सकते हैं। वो और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको आप जो अथेंटिक यूट्यूबर्स हैं आप उनको फॉलो किया करें, जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, सिर्फ उनका काम अर्निंग है और लोगों से कोई गर्ज नहीं है, तो आप उनको फॉलो ना करें, ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि YouTube शॉर्ट्स के ऊपर कितने व्यूज़ के ऊपर कितने डॉलर्स मिलते हैं और इसकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, और अगर आपने फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना है तो आप किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। YouTube की अपनी म्यूज़िक गैलरी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसमें दो टाइप का म्यूज़िक मिलेगा, किसी म्यूज़िक को आप क्रेडिट देंगे और किसी को क्रेडिट ना भी दे तब भी चलेगा। तो उसमें से आप सिलेक्ट करें, ये ना हो कि आप दूसरे म्यूज़िक सिलेक्ट करें बाद में स्ट्राइक आ गई हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।